दोस्तों आज के इस वीडियो में जो मैं आपको एक स्टोरी बताऊंगा वो आई एम श्योर कि हम सभी स्टैंडर्ड लोगों की लाइफ में मींस कि जो चीज कर रहे हैं वो कर रहे हैं, जहां पे टाइम लेके जाएगा वहां चले जाएंगे, समय पे जो चीज मिल जाएगी वो हासिल कर लेंगे। नहीं, अगर ये स्टोरी अगर आप सुन लेंगे समझ लेंगे तो आई एम श्योर आपको यकीन हो जाएगा कि हाँ यार, जो लेवल में जा रहा हूँ वो बहुत छोटा है, मुझे बहुत कुछ बड़ा करना है। तो स्टोरी कुछ ऐसी है कि एक बार एक आदमी जंगल में कहीं खो जाता है। उसके पास खाने पीने का जो भी सामान था वो बहुत जल्द खत्म हो जाता है और पिछले 4-5 दिनों से वो पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहा था और मन ही मन ये जान चुका था कि अगले कुछ घंटों में अगर उसे पानी नहीं मिला तो उसकी मौत कन्फर्म है। पर यकीन था कि ऊपर वाला है, कुछ चमत्कार तो जरूर होगा और उसे पानी मिल ही जाएगा। तभी उसे दूर एक झोपड़ी दिखती है। वो अपनी आंखों पे यकीन नहीं कर पाता क्योंकि पहले भी वह ऐसे भ्रम में आ चुका था, पर बेचारे के पास इसके यकीन करने के अलावा और कोई चारा था भी तो नहीं। आखिर ये उसकी आखिरी उम्मीद जो थी, और वह अपनी बची खुची ताकत से झोपड़ी की तरफ चल पड़ा। जैसे जैसे वो करीब पहुंचता उसकी उम्मीद बढ़ती ही जाती, और इस बार भाग्य भी उसके साथ था। सचमुच में झोपड़ी वहां पे थी, पर यह क्या, झोपड़ी तो वीरान पड़ी थी, मानो सालों से यहाँ पर कोई नहीं रहता। फिर भी पानी की उम्मीद में वह व्यक्ति झोपड़ी के अंदर घुसा। अंदर का नजारा देख उसे अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। वहां एक हैंडपंप लगा था। वह व्यक्ति एक नई ऊर्जा से भर गया। पानी की एक एक बूंद के लिए तरसता वह तेजी से हैंडपंप को चलाने लग गया, लेकिन हैंडपंप तो कब का सूख चुका था। वह व्यक्ति निराश हो गया। उसे लगा कि अब उसे मरने से कोई रोक नहीं सकता। वह निढाल होकर वहीं गिर गया। तभी उसे झोपड़ी की छत से बंधी पानी से भरी एक बोतली दिखाई दी। वह किसी तरह उसकी तरफ लपका और उसे खोलकर पीने ही वाला था। तभी उसने बोतल में चिपकी कागज दिखी। उस पर लिखा था, इस पानी का प्रयोग हैंडपंप चलाने के लिए करो और वापस बोतल भरकर रखना ना भूलना। ये एक अजीब सी स्थिति थी उस व्यक्ति के लिए। उस व्यक्ति को समझ ही नहीं आ रहा था कि वह पानी पिए या उसे हैंडपंप में डालकर चालू करे। उसके मन में तमाम सवाल उठ रहे थे। अगर पानी डालने पर भी पंप नहीं चला तो क्या होगा? अगर यहाँ लिखी बात झूठ होगी तो फिर क्या होगा? और क्या पता जमीन के नीचे पानी सूख सा गया हो। लेकिन लास्ट में एक बात उसने फिर कही कि लेकिन क्या पता पंप चल ही पड़े, और क्या पता ये लिखी बात सच हो। वह सोच नहीं पा रहा था कि वो करे क्या। फिर कुछ सोचने के बाद उसने बोतल खोली और कांपते हाथों से पानी पंप में डालने लगा। पानी डालकर उसने भगवान को प्रार्थना की और हैंडपंप चलाने लग गया। तकरीबन 3-4 हैंडल उसने मारे ही थे कि उस नल से ठंडा ठंडा पानी आने लग गया। उस व्यक्ति ने जी भर के पानी पिया। उसकी जान में जान आ गई, दिमाग काम करने लग गया। उसने बोतल में फिर से पानी भरा और उसे छत पे बांध दिया। जब वो ऐसा कर रहा था तभी उसे अपने सामने एक और शीशी की बोतल दिखी। खोला तो उसमें पेंसिल और एक नक्शा पड़ा हुआ था जिसमें उस जंगल से निकलने का रास्ता था। उस व्यक्ति ने रास्ता याद कर लिया और नक्शे वाली बोतल को वापस वहीं रख दी। ध्यान से देखिए, उसने नक्शा फिर भी नहीं लिया। वो चाहता तो वो नक्शे लेके जा सकता था। इसके बाद उसने अपनी बोतल में जो पहले से ही उसके पास थी पानी भरकर वहां से जाने लगा। कुछ आगे बढ़ा, उसने एक बार फिर पीछे मुड़कर देखा, फिर कुछ सोचकर वापस उस झोपड़ी में गया और पानी से भरे बोतल पर चिपके कागज को उतार कर उस पर कुछ लिखने लगा। उसने क्या लिखा पता है? उसने ये लिखा कि मेरा यकीन मानिए, इस हैंडपंप से पानी निकलता है। जहां की पहले सिर्फ ये लिखा था कि इस पानी से हैंडपंप को चलाइए, उसके बाद उसके मन में 8-10 सवाल आए। ये राइट है कि हमारे लाइफ में भी, अगर आप बहुत से लोगों को देखते होंगे, अंबानी या ऐसे सक्सेसफुल लोग, तो आपको लगता होगा हाँ यार, ये लोग कर सकते हैं, हम नहीं। वैसे ही ऐसे जंगल में बहुत से लोग आते थे जो शायद ये सोचते होंगे कि अरे यार, ये पंप चलेगा या नहीं, चलिए पानी में पी लेता हूँ। यही सोच के उस व्यक्ति ने वहां पे लिखा कि मेरा यकीन कीजिए, इस हैंडपंप से पानी निकलता है। सच में ये लाइन हमें सिखाती है कि बुरी से बुरी स्थिति में भी अपनी उम्मीद मत छोड़िए, और कुछ बहुत बड़ा पाना हो तो अपनी ओर से बहुत कुछ देना पड़ता है। जैसे उस व्यक्ति ने नल चलाने के लिए मौजूदा पानी दे दिया, चाहे तो वो पी भी सकता था। तभी तो निदा फाजली जी ने कहा कि सफर में धूप तो होगी, जो चल सको तो चलो, सभी है भीड़ में, तुम भी निकल सको तो चलो, इधर उधर कई मंजिल हैं, चल सको तो चलो, बने बनाए सांचे जो ढल सको तो चलो, किसी के वास्ते राह कहां बदलती हैं, तुम अपने आप को खुद ही बदल सको तो चलो, यहां किसी को कोई रास्ता नहीं देता, मुझे गिरा के अगर तुम संभल सको तो चलो। तो दोस्तों, क्या कुछ सीखा आपने इस वीडियो से, मुझे कमेंट में जरूर बताइए। और अगर आप अपना कोई भी मोटिवेशनल कोट्स या कुछ मुझ तक भेजना चाहते हैं
तो नीचे mahatmajitechnical.com की वेबसाइट का लिंक है, आप उस पर क्लिक करके जा सकते हैं। यहाँ आपको पोस्ट दिख रहा है, पब्लिक पोस्ट, इस पर क्लिक कर सकते हैं, अपने आप को लॉग इन कर सकते हैं, चाहे फेसबुक के थ्रू या फिर अपना यूजर नेम, और अपना कोई कोट्स, कोई पोएम यहाँ पे शेयर कर सकते हैं, जो कि सारी पब्लिक भी देखेगी, मैं भी देखूंगा, और आपके नेम के साथ ही पोस्ट जाएगा। आपको भी अच्छा लगेगा कि कितने लोगों ने आपके पोस्ट पढ़े, और मुझे भी अच्छा लगेगा कि जो लोग मुझसे जुड़े हुए हैं वो मेरी वेबसाइट पे आके अपना कुछ अपने मन के विचार मुझसे शेयर करते हैं। आई एम श्योर जो भी आप लिखना चाहते हैं mahatmajitechnical.com पे जाइए, पब्लिक पोस्ट में पोस्ट करिए, और भी बहुत सारी मोटिवेशन कोट्स हैं, करियर से रिलेटेड टिप्स हैं, और वो आपको सारी चीजें दिख रही हैं, वो आप यहाँ पे सर्च करिए, आगे मैं इसके बारे में और भी बताऊंगा। तो दोस्तों कैसा लगा ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताइए, और अगर आप चाहते हैं एक सक्सेसफुल यूट्यूबर बनना तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं वी मेक क्रिएटर्स चैनल को, और साथ में कुछ अगर आप ओपिनियन अपना शेयर कर सकते हैं मेरे साथ तो आप मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट को ही फॉलो कर सकते हैं जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।